आप देख रहे हैं क्यार बाय 33 अमित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज रास्ता भटकने के कारण मुझे काफी देरी हो गई थी, और जब सही रास्ते पर पहुंचा तो सूरज डूबने को था। मतलब कि कुछ ही देर में यह शांति रात के सन्नाटे में बदलने वाली थी। खैर, मेरे से जितना बन पाया मैं उतनी तेज चलने लगा, मगर सूरज के ढलते ही जहाँ अंधेरा सन्नाटा बसर चुका था, तो वही मेरे धड़कनें बढ़ने लगी थी। साथ ही मेरे खुद के कदमों की आहट भी डराने लगी थी। चलते चलते जब मैं बहुत थक कर चूर हो चुका था, तो मैं कुछ देर के लिए वही सड़क के किनारे खड़ा होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मैं अभी सांसें ले ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे हाथ की उंगली पकड़ते हुए बोला, अंकल मेरे को यह सड़क पार करा दो। वो किसी बच्चे की आवाज थी, मगर मैं उस वक्त डर से कांप उठा था। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी कूद गई थी, जिस वजह से मैं पलटकर उस बच्चे को देखने तलब की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर जब उस बच्चे ने दोबारा कहा, अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ये सड़क पार करा दो ना, तो इस बार मैंने उस बच्चे की तरफ देखा। वो एक 7 से 9 साल का एक छोटा सा क्यूट सा लड़का था। उसके चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि वो भी मेरे जितना ही डरा हुआ है। इससे पहले मैं उस बच्चे से कुछ पूछता कि वो बच्चा मुझे मेरा हाथ पकड़े अपने साथ सड़क के दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। मैंने उस वक्त किसी तरह उस बच्चे को रोकते हुए पूछा, बेटा आपको किससे डर लग रहा है, ये पूरी सड़क तो खाली पड़ी है। पता नहीं क्यों मेरे इतना कहते ही उस बच्चे ने मेरा हाथ छोड़ दिया, और रोने से सूरत बनाते हुए वो सड़क पार करने के लिए पीछे पलटा। और जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचा कि पता नहीं कहाँ से एक बड़ी सी तेजी से ट्रक आया और उस बच्चे को कुचलते हुए चला गया, और मैं वहीं पर खड़ा देखता रह गया। तभी मुझे सड़क के दूसरी ओर से रोने की आवाजें आने लगी, जो कि धीरे धीरे तेज हो जा रही थी। मगर उस अंधेरे में कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी नजर सड़क के उसी ओर लगी हुई थी जिधर से वो रोने की आवाजें आ रही थी, कि तभी मुझे उस ओर से कुछ चमकती हुई चीज आती हुई नजर आई। उस चमकती हुई चीज को जहाँ मेरा मन वहां से भागने को कर रहा था, तो वही मेरे पाँव अब वहीं पर अपने आप ही उस चमकती हुई चीज की तरफ बढ़ने लगे थे, और मैं ना चाहते हुए भी सड़क को पार करते हुए उस चमकती हुई चीज के पास जा पहुंचा। जब मैं उस चमकती हुई चीज के करीब पहुंचा, तो पता चला कि वहां पर एक औरत और एक मर्द है, जिनकी आंखें बहुत चमक रही थी। मेरे मुंह से ना तो कुछ निकल रहा था और ना ही मैं उस वक्त अपने बचाव की स्थिति में था। तभी वो औरत एकदम से चीखने लगी और चीखते हुए सड़क की तरफ दौड़ी, और उसके पीछे पीछे वो मर्द भी। ये तो साफ था कि ये कोई इंसान नहीं थे, और शायद कुछ ही देर बाद मैं भी इंसान ना रहूं। जब मैंने पीछे मुड़कर सड़क की ओर देखा, तो पाया कि वही बच्चा वहां पर खड़ा हुआ है और वो दोनों उसे गले लगा रहे हैं। और यही मौका था वहां से निकलने का, लिहाजा मैं वहां से किसी तरह दबे पाव निकल गया। जब मैं काफी दूर निकल आया, तो मुझे वहां सड़क के किनारे कुछ लोग नजर आए। मैं तुरंत ही उनके पास जाकर बैठ गया। मेरे अचानक ही उनके बीच बैठने से वो सभी के सभी थोड़ा घबरा गए, मगर जब मैंने उन्हें सारी बात बताई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हाल ही में एक परिवार जो उस रात सड़क पार कर रहे थे, उन्हें अचानक ही किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिस वजह से वो सारे वही सड़क पर ही तड़प तड़प कर मर गए। उसके बाद से ही वहीं पर उस परिवार की आत्माएं लोगों को नजर आने लगी। हालांकि अभी किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं हुआ है। यह सब जानने के बाद मैं कुछ देर के बाद वहां से निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।